डॉट एशिया ब्लॉग के अंतर्गत हम यहाँ हिंदी पखवाड़े में एक हिंदी दिवस के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये एक ब्लॉगिंग कैंपेन है जो समस्त ब्लॉग को इकट्ठे करने के लिए किया गया है। अच्छा प्रयास है, एक से अनेक भले और कई अच्छी चीज़ें इसमें जुड़ेंगी, हिंदी फैलेगी। इतना बड़ा देश है, इतने हिंदी बोलने वाले हैं, दुनिया में हैं, तो हिंदी की महत्ता बढ़ेगी और हिंदी का प्रसार प्रचार होगा। ये एक उद्देश्य लेके हम चले हैं कि हमारे देश की भाषा जो है वो विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो और लोग उसमें रुचि लें। इसी के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं कुछ पेश कर रही हूँ। एक विचार कहूँगी, मैं कविता नहीं कहूँगी। लोहा बंदूक से छूटा हुआ लोहा, पीठ में घुसा हुआ लोहा, रेल की पांत में बिछा हुआ लोहा, फैक्ट्रियों में ढलता हुआ लोहा, हल्की नोक में जड़ा हुआ लोहा, यो तो है सब एक ही धातु के रूप, मगर कितना जबरदस्त अंतर है इनके पीछे छिपे मकसद में, यानी मकसद के हिसाब से बदल जाती है तासीर लोहे की, एक फौलादी मकसद अगर गुनगुनाने लगे मोम से बने जिस्मों में, तो सारा मोम पिघल जाएगा और जिसमें फौलाद निकल जाएगा। मैं मूलतः व्यंग लिखती हूँ और हिंदी दिवस पर विशेष लोग जो अंग्रेजी बहुत अधिक उपयोग करते हैं, और आपको उससे भी बड़ा व्यंग बताऊँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाई है मैंने जन्म भर है और मैं लिख रही हूँ और हिंदी में लिखती हूँ। और देखिए विडम्बना है या जो भी कहिए, तो हिंदी दिवस पर है कि लोग हिंदी अंग्रेजी के साथ मिला के उसको हिंदी कहने लगे हैं। वो अंग्रेजी को मिला लेते हैं हिंदी में और कहते हैं ये हिंदी शब्द है। देखिए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में नगर में कार्यक्रम चल रहे थे। स्कूली छात्रों की एक भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक बनने का निमंत्रण मुझे भी मिला। जो ही मुझे पता चला मेरी भतीजी भी इसमें भाग ले रही है, मैंने स्वीकृति दे दी। प्रतियोगिता 2 दिन बाद पास के स्कूल में 3 बजे से थी। मैं निश्चित समय के 15 मिनट पहले ही पहुंच गई, आदत से जो मजबूत थी। तो वहां पाया चपरासी झाड़ू ढूंढ रहा था, चादर गुलदस्ते के बारे में पूछ रहा था। मैं समझ गई अगला घंटा गया। मैंने मन ही मन कहा कौन सी नई बात है, ऐसा तो लगभग प्रत्येक आयोजन में होता है। खैर जैसे तैसे प्रवृत्ता शुरू हुई। भाषण का विषय था मेरा राष्ट्रभाषा प्रेम। और हर छात्र को 5 मिनट का समय दिया गया था। एक एक कर छात्र आते गए, कुछ अटक अटक कर, कुछ फर्राटे सराटा भटाया भाषण बोल बोल कर बैठते जा रहे थे। एक कॉन्वेंटी छात्रा को राष्ट्रभाषा पर भाषण के लिए आता देख मैंने मन ही मन कहा अभी हिंदी का भविष्य है। उसने बोलना शुरू किया, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज यानी हिंदी और प्रेम यानी हिंदी, नेशनल लैंग्वेज यानी हिंदी और प्रेम यानी लव। मैं हिंदी को लव करती हूँ बिकॉज हिंदी अपनी नेशनल लैंग्वेज है। इसको गवर्नमेंट कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्प्रेड करना चाहती है, इसलिए इसको सबको लर्न करना चाहिए। ये फ्यूचर में ऑफिस की लैंग्वेज भी हो जाएगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मुझे ये सॉफ्ट और स्वीट लगती है। एक और भी रीज़न है इसे लाइक करने का, इसका लिटरेचर रिच है। बट इसके राइटर्स पुअर हैं। मैंने टीवी पर सुना है, मेरे को हिंदी मेरी मम्मी जैसी लगती है। इतना लव करती हूँ मैं हिंदी को। वैसे मैं अपनी जिमी पमेरियन कुतिया को भी, अपनी हेयर स्टाइल को और अपने ड्रेसअप को भी खूब लव करती हूँ, पर मेरे हार्ट में मम्मी के लिए जो लव है वो तो डिफरेंट है ना।
मैं वही वाला लव हिंदी को करती हूँ। आज जो मैं वाइन स्पीच दे रही हूँ उसे मैंने विदाउट हेल्प खुद बनाया है। मैंने इसे अपनी मिस को दिखाया तो वो भी बोली ये वंडरफुल है। मैं ऐसी गर्ल से फ्रेंडशिप करती हूँ जो हिंदी को लाइक करती है। मेरी फ्रेंड अलका के डैडी हिंदी कॉलेज में हिंदी के टीचर हैं, उनके घर पर फैमिली मेंबर्स हिंदी में टॉक करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मेरे डैड और मम्मी इंग्लिश में टॉक करते हैं, मम्मी तो डॉग और पैरट से भी इंग्लिश में बात करती है। मेरा पैरट मेरे को गुड मॉर्निंग से इस तरह डरने लगे है लोग, आईने से इस तरह डरने लगे है लोग, पत्थरों को आईना पत्थरों को आईना कहने लगे है लोग, पत्थरों को आईना। शहर सारा ढक लिया पेड़ ने बबूल के, शहर सारा ढक लिया पेड़ ने बबूल के, बबूल को गुलाब अब, बबूल को गुलाब अब कहने लगे है लो, बबूल को गुलाब अब। सुगंध की गली मुझे ढूंढे से ना मिली, सुगंध की गली मुझे ढूंढे से ना मिली, गुल मोहर की छांव में, गुल मोहर की छांव में जलने लगे है लो, गुल मोहर की छांव में जलने लगे है लो। घबरा के न गिर पड़े ठहरी हुई सी झील में, घबरा के न गिर पड़े ठहरी हुई सी झील में, पत्थरों को कैद में, पत्थरों को कैद में रखने लगे है लोग, पत्थरों को कैद में रखने। और एक गजल को और पढ़ दूं? हाँ पढ़िए। है अब जितना याद है, क्योंकि वो है नहीं और अभी दिमाग में ये था ना थोड़ा सा। देखिए, मेरा जिंदगी का अनुभव है कि सारे फूल लोग दूसरे लोग चुन लेते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, फूल तुम सारे चुन लो, फूल तुम सारे चुन लो, हम कांटे ही खिला लेंगे। फूल तुम सारे चुन लो, हम कांटे ही खिला लेंगे। खुरदुरी हथेली पर, खुरदुरी हथेली पर सरसों लहला लेंगे, खुरदुरी हथेली पर सरसों लहला लेंगे। देश तो सभी का है, गुटियों से कोठी तक, देश तो सभी का है, कुटियों से कोठी तक, हम सागर की तल छट को, हम सागर की तल छट को आसमां दिला लेंगे, हम सागर की तल छट को आसमां दिला लेंगे। देखिए, कई बार जिंदगी में हम पहुंच नहीं पाते हैं
जहाँ चाहते हैं उसके लिए शेर आ जाए। नदिया सा जीवन है, सागर इसकी मंजिल है, नदिया सा जीवन है, सागर इसकी मंजिल है, सागर तक न पहुँचे तू, सागर तक न पहुँचे तू, हम सागर ही बुला लेंगे, सागर तक न पहुँचे तू, हम सागर ही बुला लेंगे, फूल तुम सारे चुन लो। अंतिम है, आदमी के हाथों से कुछ न बड़ा होता, आदमी के हाथों से, अपना हाथ जगन्नाथ वाली बात है, आदमी के हाथों से कुछ न बड़ा होता, ये सिखा के लोगों को, ये सिखा के लोगों को, हम देश को जिला लेंगे, ये सिखा के लोगों को, हम देश को जिला लेंगे।